हाँ जी, सबसे बड़ी सहज याद है नारायण का। नारायण ये वर्षा का स्वरूप है, कहते हैं बाप को याद करो और वर्षा की याद, वर्षा को भी याद करो जैसे बाप को याद करो और घर को भी याद करो। लेकिन नारायण वो नेक्स्ट टू गॉड है, माने नेक्स्ट टू शिव, नेक्स्ट टू शिव नारायण, नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता। तब नेक्स्ट टू गॉड को याद करना सहज है, यह पहली जो असली है उसको याद करना सहज है। असली कौन है और नकली कौन है, उन दोनों के नाम बताओ। असली तो शिव है, शिव भगवान। असली शिव है और शिव, शिव के बाद जो नेक्स्ट टू गॉड है नारायण वो नकली है। नकली नहीं बाबा, अरे वो तो अभी क्या कहा। लेकिन ये बाबा तो नेक्स्ट टू याद करना माना वो दूसरी पुरुषार्थ हो गया ना। दूसरा क्यों हो गया, उसमें शिव नहीं है क्या? शिव प्रवेश करता है तब ही तो नारायण बनता है। अगर शिव उसमें प्रवेश न करे, संग का रंग ही न लगे, तो अव्वल नंबर नारायण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन बाबा वो तो आता ही है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने के लिए, और नारायण के द्वारा ही करता है। जिसके द्वारा करता है वो भी अव्वल नंबर नारायण है, तो अंतर कहाँ है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। निराकार को याद करेंगे तो भी निराकारी स्टेज जो बनेगी उस स्वरूप को याद करेंगे, या जो जड़वत परम धाम में है उसको याद करेंगे। बिल्कुल नहीं, जड़वत परम धाम की बात नहीं। जब है नहीं इस सृष्टि पर बात है, तो इस सृष्टि पर जब वो आता है तो जड़वत तो नहीं है, चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य में प्रवेश करने पर चैतन्य है या जड़ में प्रवेश करता है? हाँ जी, इसलिए जैसे सृष्टि चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों जरूरी है, ऐसे ही नई दुनिया स्थापन करने के लिए निराकार और साकार दोनों जरूरी है। और लेकिन बाबा तो मुरली में अगर बिंदु को नहीं याद कर सकेंगे तो बड़ों को याद करो। बिंदु का मतलब है सूक्ष्म स्टेज वाले को, ऐसे नहीं कि बिंदु को कोई परमधाम में याद करना है। वो तो बता दिया मेरे को जो परमधाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। शूद्र संप्रदाय जानेंगे या ब्राह्मण जानेंगे? तो ब्राह्मण क्या जानेंगे, परमधाम में बिंदु को जानेंगे। उसको जानना कहा जाएगा, तो फिर नारायण को भी जानना पड़े। नारायण कौन बनता है ये भी जानना पड़े। अगर नहीं जानेंगे तो निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे नहीं कहे जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयते का मतलब ये है कि संसार में उसे जानना चाहिए जिसकी कभी हार ही नहीं हुई है। शास्त्रों में एक नारायण ही है जिसकी दुनिया में किसी से हार ही नहीं हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे।
मन साकार को याद करें तो चलेगा ना प्रभु, लेकिन याद तो होना प्रवृत्ति होना चाहिए। शरीर को याद करना है कि आत्मा को याद करना है कि शरीर में आत्मा को याद करना है, तो बात ही खत्म हो जाती। साकार में निराकार को याद करना है। लेकिन उनमें दो सोल सोल जाने वाला है, दो सोल सोल साकार की तो सोल होती है और निराकार दोनों का सोल होता है। सोल की बात नहीं है यहाँ, सुप्रीम सोल की बात है। सुप्रीम सोल साकार के बगैर कुछ नहीं करता, तो जब साकार के बगैर कुछ करता ही नहीं है तो हमें मेल को याद करना है या सिंगल को याद करना है? हाँ जी, शंकर के अभिषेक का पीड़ है, नारायण का अलंकार पीड़ है, शंकर है ना बाबा, शंकर को अभिषेक करते हैं ना, अभिषेक अभिषेक वो अभिषेक का प्रिय है, और नारायण तो जो अलंकार के अपन प्रिय है, तो क्या देह का अर्थ क्या? अभिषेक माने स्नान, पहले स्नान किया जाता है कि पहले श्रृंगार धारण किए जाते हैं, है? पहले क्या किया जाता है? पहले स्नान करना पड़े, तो नारायण पहले है या नारायण को नारायण बनाने वाला पहले है? जो नारायण को नारायण बनाने वाला है वो देव देव महादेव है, इसलिए स्नान ज्ञान का कौन करेगा पहले? सुप्रीम सोल जरूर जिसमें प्रवेश करता है, जिसको लिंग के रूप में पूजा जाता है, उसी का अभिषेक होता है। और बाबा तुझे एक भाई का प्रश्न है, तो श्राद्ध कर्म करते हैं ना बाबा? श्राद्ध कर्म करते हैं ना, श्राद्ध कर्म तब तो ब्राह्मण द्वारा आता है इनको बुला करके, तो उसको भोजन खिलाना ऐसा करते हैं बाबा, तो वो बात है तो वो स्वीकार करते हैं पहले आत्मा का स्वीकार करते हैं, तो जिसको बुलाया है वो भोजन स्वीकार करते हैं, तो वो कैसा बोल रहा है? कैसा संभव है ये पूछ रहा है। ये तो यहाँ की रसम रिवाज जो संगम युग में हुआ है वो सब रसम रिवाज वहाँ चलती है भक्ति मार्ग में। यहाँ ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण तो नहीं ना। जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों में कोई ब्राह्मण है जो पहले शरीर छोड़ चुका, जो सारी दुनिया का पूर्वज है? इसलिए ब्रह्मा बाबा के समय में जो सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण था उसी को बुलाया जाता था, वो खिलाते थे। ये रसम रवाज यहाँ संगम युग में भक्तों के द्वारा डाली जाती है। और तो ब्राह्मण की दुनिया में ज्ञान सरस्वती यानी जगदम्बा सरस्वती यानी वाग देवी जगदम्बा को माना, जगन माता को कहते हैं, और दूसरी ओर जो याद में सबसे तीखा है पहले नंबर के बाद योगिनी माँ काशी, उसमें याद का तेज योग में बाप की तरह पूरी जानकारी हुई उनको, है ना? याद भी तब सहज होता है, तब निरंतर होता है जबकि बाप के बारे में पूरी जानकारी होते बाप क्या है। तो बच्चों बगैर बाप नहीं रह सकते और बाप बगैर बच्चों नहीं रह सकते, ऐसी स्टेज। तो तब असली ज्ञानेश्वरी यानी असली ज्ञानी
उसको बताना है ना, उसको कहना है ना जगदम्बा का चिंता। ज्ञान अलग चीज है और याद अलग चीज है। कैसे अलग है? दोनों में सहज क्या है और कठिन क्या है? याद तो कठिन है, ज्ञान तो सहज। और ज्ञान सहज है, ज्ञान सहज है। तो योगी बनने में प्रैक्टिकल मेहनत है और बोल बोल करने में उतनी मेहनत नहीं है। आज की दुनिया में जितने भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाने वाले हुए विद्वान पंडित आचार्य गुरु लोग सबने गाल बजाए हैं या परिवर्तन किया है? क्योंकि गाल बजाना सहज है और परिवर्तन करना कठिन है। वो परिवर्तन तभी होता है जबकि याद की शक्ति हो या तो पवित्रता की शक्ति हो, और याद से ही पवित्रता आती है। इसलिए योग में और योगी में, ज्ञान में और ज्ञानी में अंतर पड़ जाता है। ज्ञानी बनती है वो योगी नहीं बन सकते क्या? प्रैक्टिकल अगर ज्ञान है तो योगी बन सकता है, नहीं तो दुनिया में जैसे पंडित सोई जोई गाल बजाबा, दुनिया में बहुत से मजमे लग रहे हैं, लाखों लाख मजमे में इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। परिवर्तन हो रहा है उन मजमों में, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है या सिर्फ मजमे लगते हैं? मजमे लगते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तो बड़ी सभाओं में आता ही नहीं हूं, मैं तो 200-400-500 बच्चों को पढ़ाता हूं बस। जहां तक आवाज पहुंच सके, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाने की दरकार ही नहीं। लाउड स्पीकर पर बच्चे सवाल कैसे पूछेंगे? थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाता हूं। और आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने जो भ्रष्ट हो। आर्य नहीं है, अनार्य है। आर्य कहा जाता है श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करने वाले श्रेष्ठाचारी देवताओं को, और अनार्य कहा जाता है जो भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करते हैं उनको अनार्य कहा जाता है। विष्णु चतुर्भुज में जो पांच आत्माएं हैं, चार भुज के रूप में और एक चलाने के रूप में है, चार भुज के रूप में और एक है चलाने के रूप में, जो पांच आत्माएं हैं, उस पांच आत्माएं को आखिरी जन्म में भी, मां आखिरी जन्म में वो डबल ब्राह्मण बनती है, माना स्थूल रूप में भी तो ब्राह्मण का जन्म होता है। ऐसा जो अष्टदेव है तो खास दूसरी जो काशी है, जो काशी है अष्टदेव में, जो काशी है जहां जो ज्ञात का तेज है, जो चैतन्य काशी की बात में बोल रहा है, अष्टदेव में काशी, काशी योगिनी मां है, काशी है। स्थूल में काशी में भी ये काशी बहुत पंडित विद्वान आचार्यों ब्राह्मणों की आवास है, निवास है। ऐसा काशी को भी, क्योंकि शंकर को बहुत प्रिय नगरी भी है काशी है, ऐसा काशी को भी अंत में ब्राह्मण की जन्म मन स्थूल रूप में वो भी डबल ब्राह्मण की बनने के संभव है या नहीं?
असल में उनकी बात सात छह आत्माएं को छोड़कर सिर्फ काशी की। तो रुद्रमाला और विजयमाला रुद्रमाला में एक है महारुद्र और बाकी सिर्फ रुद्र हैं, और विजयमाला में एक है, एक ही होती है। भले एक है लेकिन विजयी सब हैं इस बात में। विकारों पर विजय है, विकारों पर विजय है। तो जो विकारों पर विजयी हैं वो रुद्रमाला वाले विजयी होते हैं या विजयमाला वाले विजयी होते हैं? और जन्म जन्मांतर के विजयी कौन होते हैं? विजयमाला है। क्यों? क्योंकि दूरी की शक्ति है। तो वो बात काशी में नहीं आती है। बड़े से बड़े राजे तो हैं, बाप के जन्म जन्मांतर के सहयोगी तो हैं। जहां बाप जाएगा बाप की पूरी राजधानी जाएगी, और राजधानी में राजा के बाद किसका नंबर होता है? है किसका? राजा के बाद नहीं, राजा के बाद जो कार्य व्यवहार का संचालन होता है, राज्य का संचालन, उसमें नंबर किसका होता है? है महामंत्री का होता है। और जो राजाएं हैं द्वापर युग से, जो भी राजाएं हुए हैं, वो मंत्री पवित्र को बनाते हैं या अपवित्र को बनाते हैं? हाँ जी। तो वो जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों में ये शिफ्ट है पवित्रता की। मंत्री एक होता है या अनेक होते हैं? उस समय तो मंत्री होते। उस समय नहीं, उस समय जो होता है वो ही इस समय शूटिंग होती है। ऐसे नहीं यहाँ शूटिंग अलग हो जाती है और वहाँ दूसरा हो जाता है। तो मंत्री अनेक होते हैं, प्रधानमंत्री महामंत्री अलग अलग होते हैं। जैसे सेनापति और सेनाध्यक्ष और फिर सेना के नंबरवार जितने भी अधिकारी होते हैं, तो वो सब रुद्रमाला से हैं या विजयमाला से हैं? रुद्रमाला से हैं। वो सब योगी हैं या जन्म जन्मांतर की पवित्रता वाले हैं? योग से पवित्रता को सिद्ध किया है, ये अंतर पड़ जाता है। और पवित्रता बड़ी चीज नहीं है। क्या चीज बड़ी है? याद है ये बोला है कि जब दुनिया के सन्यासी निकलेंगे जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को महत्व दिया है, तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। लेकिन वो निकलेंगे तो एडवांस ज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे? ईश्वर की दात उनको लेनी पड़े। भले जन्म जन्मांतर की पवित्रता की शिफ्ट उनमें है, लेकिन उस पवित्रता की शिफ्ट से भी बड़ी चीज क्या है?
सन्यासी पवित्र तो रहे लेकिन ज्ञान युक्त पवित्र रहे या ज्ञान के आधार पर पवित्र रहे? हाँ जी, इसलिए ईश्वर की जो दात है ज्ञान, उस ज्ञान के बगैर पवित्रता भी बेकार है। और बात यही बाबा, तो अंत में उसका डबल ब्राह्मण जन्म मिलती है नहीं है काशी तो अंत में जैसे कोई जरूरी नहीं। रुद्रमाला सब पुरुषों की है, पुरुष जो होते हैं उनमें अपनी पुरुषत्व की विशेषता होती है, कठोरता की विशेषता होती है। और शंकर को काशी नगरी प्रिय है, उसका कारण है कि कठोरता है। शंकर को ब्राह्मण है क्योंकि उसको तो बीज बनना है सारी दुनिया का। विजयमाला वालों का भी बीज है तो रुद्रमाला वालों का भी बीज है, राजाओं का भी बीज है तो रानियों का भी बीज है, राक्षसों का भी बीज है तो देवताओं का भी बीज है। और बाबा अंत में वो 4.5 लाख बस के है तो उनका शरीर अंश में जो 4.5 लाख जो आपने बस्ती है उसका जिनका शरीर सुरक्षित होता है बर्फ में है जी, वो नंबर वार परमधाम से उतर कर अपने अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। तब बाबा सभी ये बिंदु की स्टेज में याद में परमधाम पहुंचते हैं और बिंदु की उसकी उसी स्थिति में उस शरीर में प्रवेश करती है ना बाबा। तब तो नया सृष्टि माना तो ब्रह्मा और सरस्वती जैसे आत्माएं को माना राधा कृष्ण जैसे आत्माएं को जन्म देने के लिए युगल बनना है ना, जोड़ी जोड़ी बनना है। वो जोड़ी किस आधार पर बनती है? सभी एक की स्थिति में जब पहुंचती है सभी वो नई सृष्टि के लिए जोड़ी बनना है ना। अरे जोड़ी बनना तो है लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं वो बात को पहले समझते हैं या बाद में समझते हैं? जन्म लेने वाले सत्युग में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जन्म देने वालों के मुकाबले पहले बात को ईश्वरीय ज्ञान को समझते हैं या बाद में समझते हैं? तो अंतर पड़ जाएगा कि नहीं? तो यही अंतर है, जो बाद में समझते हैं तो बाद में समझने के कारण वो रचना बन जाती है और वो रचयिता बन जाते हैं। बात तो ये नहीं बाबा, तो संगमय ही नारायण और संगमय ही लक्ष्मी तो जोड़ी बनना है ना ब्रह्मा और सरस्वती को जन्म देने के लिए। वो जोड़ी बनी है, एक में प्योरिटी की पावर है और एक में याद की पावर है, दोनों की पावर का मेल हो गया तो वाइब्रेशन से खींच गए, एक हो गए, दोनों को आधा आधा हिस्सा मिल जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? पवित्र बनना है। लेकिन बाबा तो खींच कैसे, मैंने ये जोड़ी बनना है, हमारा जोड़ी बनना है, ऐसा कैसा? अरे माँ बाप की जोड़ी पहले बनेगी कि बच्चों की जोड़ी पहले बनेगी? माँ बाप की पहले बनेगी। तो माँ बाप अगुआ हो गए क्योंकि उन्होंने पहले बाप को पहचान लिया। और जो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं हैं उनको लंबे समय तक पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, बाद में जाकर के बाप को पहचानती है। प्रश्न तो यही बाबा,
ये खींचना वैभिष्ट के खींचना फलानी उस आत्मा की तरफ जाना है, एक ही साधन पर होता है क्या माना, तो जोड़ी बननी है, जोड़ी बनना माना जो रचयिता जो है समानता पुरुषार्थ के आधार पर माना सभी अंत में बिंदु की याद में रहेंगे तो एक ही याद में रहेंगे तो दूसरी तरफ वाइब्रेशन खींचना कैसा संभव है। वो अपने अपने खींच अलग अलग प्रकार की है ना, ऐसे थोड़े ही कि राधा कृष्ण की जो खींच है और नर से जो नारायण बनने वाले हैं, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, उनकी खींच की रफ्तार के बराबर उनकी रफ्तार हो जाएगी। रचयिता की रफ्तार और रचना की रफ्तार एक ही होगी या अलग अलग होगी है? अच्छा, रफ्तार माने गति, एक कैसे हो जाएगी? रचयिता की जो दो दौड़ है, कम होता है। रचयिता की दौड़ कम होता है, रचना की दौड़। हाँ, तो रचयिता की दौड़ में और रचना की दौड़ में अंतर पड़ जाता है, इसलिए रचयिता रचना का फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, नवग्रहों में बृहस्पति दशा को यानी गुरु दशा को सबसे बड़ी श्रेष्ठ दशा कहा बाबा ने, और राहु ये बड़ी नीची दशा कहा है। नवग्रहों में बृहस्पति यानी गुरु है और राहु भी है। जब राहु द्वारा बुरी दशा प्राप्त होता है वो नवग्रह में कैसा पूजा किया जाता है? बाबा ने तो बता दिया, नौवा रतन वैल्यूलेस है। वैल्यूलेस क्यों है? क्योंकि वो तो अधूरी माना रचयिता और रचना की बारे में पूरा जानकारी नहीं, सिर्फ रचयिता। क्योंकि सर है कंट्रोलर और शरीर है कंट्रोल्ड होने वाला, जिसको सिर्फ सर ही है, शरीर है ही नहीं, तो काम का है या नकाम है? बस कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो वो दशा तो बहुत बुरा दशा है। अच्छी कौन कहता है? तो परसों की तो मुंडी में पॉइंट आई है तो 22/11/1966, बाप तुमको कितनी सहज रीति समझाते हैं पढ़ाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। आज की मुंडली की पॉइंट आई है, संस्कृत श्लोक आदि कुछ नहीं उठाती है, नहीं सुनाती है। संस्कृत श्लोक आदि कुछ नहीं सुनाते हैं, उठाते हैं, लेकिन कभी कभी तो मुरली में बात आती है तो गीता में भी ऐसी बोल दिया है तो मतलब भाषा ये सूर्य नशांग पाप कहा तथा परम ममा या निशान सर्वभूत या तस्याम जागृत संयमी, ऐसे ऐसे श्लोक तो उदाहरण देते हैं। तो वो श्लोक ब्रह्मा की सोल सुनाती है या शिव बाबा सुनाते हैं? लेकिन हमारा भाव कैसा होना है, हमको समझाने वाले शिव बाबा है ना ब्रह्मा। तुम समझो, लेकिन बाबा ने तो बता दिया ये ब्रह्मा की सोल इंटरफियर करके बोलती है। हाँ, लेकिन हमारे भाव तो शिव बाबा की तरफ होना है ना। हाँ, तुम अपना भाव रखो ना, ये पूछने की दरकार क्यों पड़ती है बाबा? भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीन बात है ना बाबा, भक्ति मार्ग में ये पॉइंट था, बाबा भी मुरली में कहती है
इन तीन बातों से ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई कनेक्शन है? क्यों नहीं है? इनमें भक्त कौन है, ज्ञानी कौन है और पक्का वैरागी कौन है? ब्रह्मा तो भक्त है, ज्ञानी तो शंकर है, वैराग कौन है? माना विशेष राग विष्णु, माना लक्ष्मी। विष्णु वैरागी है, माना विशेष राग माना जिसके साथ लक्ष्मी हमेशा बैठी रहती है। नहीं बाबा, तो विराग माना क्या? विशेष राग नारायण के प्रति उसको विशेष राग है या नहीं? नहीं। ब्रह्मा भक्त है, विष्णु प्रैक्टिकल में ज्ञानी है और शंकर विशेष राग है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो शंकर को बुद्धि की है ना बाबा, या प्रतीक है ना, तो इसलिए ज्ञानी है, समझा है इसे? नहीं, ज्ञानी प्रैक्टिकल में ज्ञानी होना चाहिए या सिर्फ वो बोल बोल का ज्ञानी होना चाहिए? फिर तो तब बाबा, ये पहले तो जगदम्बा में प्रवेश कर सुनना और सुनाना का पाठ बजाया, तो मना भक्ति का फाउंडेशन डाला या नहीं? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये क्या बड़ी बात हो गई? ये बोला है बाबा शिव बाबा, कभी तो ज्ञान को बीज बोलते हैं, लेकिन भक्ति को बीज बोलने वाला तो रावण है, पाप नहीं है। लेकिन माता द्वारा ये सुनना और सुनाना का जो बात है, तो भक्ति की बात है, सुनना और सुनाना, ये भक्ति का फाउंडेशन लगा है नहीं? वो बाप जो है, जिसको हम बाप कहते हैं, वो सारी दुनिया का बाप है या एक दो का है? सभी का बाप है। और लेकिन बाबा, भक्ति माना अंधश्रद्धा को बाबा खंडन करते हैं, लेकिन भक्ति माना श्रद्धा भाव, अंधश्रद्धा को जो खंडन करता है वो बाप का रूप है या माँ का रूप है? बाप का रूप है। बस बाप बीज को कहा जाता है, माँ को बीज तो नहीं कहा जाता। तो श्रद्धा भावना विश्वास ये भक्ति की चीज है ना बाबा? अंधश्रद्धा अंधविश्वास भक्ति की चीज है। जो ज्ञानी है उसमें श्रद्धा विश्वास भावना होना जरूरी है। रावण अंधा बनाता है, ज्ञान शिव बाबा से आता है, शिव बाबा तो सोजरा बनाता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तो बात ही नहीं। तो गीता में भी श्रद्धा वाला लभते ज्ञान तत्परा समय केंद्र, यह ये भी है ना? तो कहने वाला कौन है, कृष्ण है क्या? फिर वो बात है, तो श्रद्धा अच्छी श्रद्धा भावना विश्वास। हाँ, तो श्रद्धा विश्वास कृष्ण के प्रति जागृत हो जाएगा? नहीं। फिर कहने वाला तो भगवान है ना, जो कलातीत है। और शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू संप्रदाय के पहले सिंधु संप्रदाय है, हिंदू संप्रदाय के पहले सिंधु संप्रदाय है, सिंधी सभ्यता है, सिंधु माना किताबों में हिंदू संप्रदाय के पहले सिंधु सिंधी सभ्यता है, क्योंकि सिंध से आया है ना ज्ञान, ये सिंध हैदराबाद से ही आया ना, तो उन्होंने भी लिख दिया पहले है। हिंदुस्तान में पहले ये ज्ञान चला या सिंध हैदराबाद में चला? हाँ, तो इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही लिख दिया। लेकिन सिंध हैदराबाद में ज्ञान चला या भक्ति चली? फिर और
तक विजयमाला आत्माएं बाप को नहीं पहचानती तब तक उसका योग सहज होता है या नहीं? पहचानने के बाद याद आएगी या बिना पहचाने ही याद आएगी? कन्या की सगाई हो जाती है, उसे पहचान हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कि अमुक गांव का है, उसका कुल परिवार ऐसा है, गांव का स्वरूप ऐसा है, संबंधियों का स्वरूप वैसा है, उसका फोटो ऐसा है, सारी पहचान हो जाती है ना, तो याद छप जाती है, ऑटोमेटिक याद आती है या कठिनाई से याद करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में है, भगवान के बारे में जब पूरी जानकारी हो जाएगी, पूरी पहचान हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक याद आएगी। अगर नहीं पहचानते हैं तो माया वायलोरे डालती रहती है, माया बुद्धि को उखाड़ती रहती है। जो ज्ञान में परिपक्व होंगे माया के परछावे से बचे रहेंगे, ज्ञान में कच्चे होंगे, पहचान कच्ची होगी तो माया के परछावे में आ जाएंगे। तो पहचान तो जरूरी है। जब तक नहीं पहचानते हैं तब तक जो योग किया, याद किया, उसका कोई है? भक्ति है, भक्ति जो करते हैं तो भक्ति का फल भगवान से मिलता है, मिलेगा। भक्ति जब पूरी होगी तो भगवान मिल जाएगा। और बाबा एक भयंकर बात है ना, मुरली में तो शौचालय में भी बाप याद कर सकते हैं। शौचालय में, शौचालय माना लेट्रिन में भी बाप को याद कर सकते हैं, पॉइंट आते हैं बाबा। हाँ जी, तो या तो अंदरूनी की बात है, लेकिन जो भक्ति मार्ग वाला है तो कोई अनुष्ठान या पूजा करने के लिए तो बाहर शुचित्व को पालन करते हैं, हैं? बाहर शुचित्व तो भक्ति मार्ग वाला जो है बाबा, हाँ? वो कोई अनुष्ठान यानी पूजा करने के लिए, हाँ? तो पहले तो नहा करते हैं तो उसको बाहर शुचित्व पालन करती है ना, हाँ? तब यहाँ ऐसा कहना, हमारी याद अंदरूनी है कि हमारी याद बाहर की दिखावे की है? तो ये लैटिन हेटने आदि करना ये तो बाहर का कर्म है, ये अंदर बुद्धि की बात थोड़े ही है। उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बाबा तो निरंतर याद करो मतलब भी यही है, वो तो सही है। हाँ जी, लेकिन बाबा तो जो वायुमंडल के अनुसार भी हमारा गति माना हमारा स्थिति जो होता है ना, पांच तत्वों को याद शुद्ध बनाएगी या अशुद्ध बनाएगी? तो टॉयलेट जो है वो मिट्टी ही तो है, मिट्टी का बिगड़ा हुआ रूप ही तो है, उसको शुद्ध नहीं बनाना है, उसको कौन शुद्ध बनाएगा? तो आत्मा को याद करना पड़े ना उस स्टेज में भी। सड़क के नीचे गटर लाइन है, उसमें सारे शहर का गटर भरा रहता है, गटर की सफाई करने वाला मैन होल में घुसता है कि नहीं? वो वहां घुस करके बाबा को याद नहीं कर सकता? बातें खत्म। वो अंदरूनी बातें है, वो बाहर की बात है। जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनाया है, जब तक पांच तत्वों को पावन नहीं बनाया है, तब तक दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बाबा ने कोई झूठ कह दिया कि लैटरिन में भी याद करना है? आगे चल करके मौत का बाजार लगेगा, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई होंगी, सड़ांध निकलेगी,
चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई होगी तो याद करना बंद कर देंगे। अरे लैटरिन में तो आज फिर भी बड़ी सच्चाई सफाई है, पानी डाल दो एकदम फ्लैश, बदबू भी नहीं आती। वहां तो चारों तरफ है, दुनिया में बदबू ही बदबू होगी तो याद करना बंद कर देंगे। तो बाबा ने क्या गलत कह दिया? अभी से प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है? नहीं है बाबूजी, तो इतने विस्तार रूप में पैरिफिकेशन के लिए हमें पूछा है, तो इतनी रूप जैसे आप समझाते हैं ऐसे बच्चे नहीं समझाते हैं ना, तो इसलिए विस्तार रूप में पैरिफिकेशन के लिए हमें पूछा है, तो पता है तो अंदर उनकी बात है। लेकिन जब बाप से इतनी स्पष्ट रूप में पैरिफिकेशन है तो आप तो खुश हो जाएंगे। बाबा ये पॉइंट को क्लैरिफिकेशन तो दिया बाबा, लेकिन भूल गया तो भक्ति मार्ग में जो प्रसाद है ना बाबा, तो प्रसाद स्वीकार करने के लिए तो नए रंग का टच करके तो बाद स्वीकार करते हैं, तो भक्ति मार्ग में जो प्रसाद वो प्रसाद को तो भक्त लोग पहले बोलिए प्रसाद प्रसाद माना प्रसाद वो पहले वो स्वीकार माना तो पहले तो खाते नहीं, वो नैनों को ऐसे टच करके बाद खाते हैं, नैनों को माना ऐसा ऐसा क्या कहना उसने हिंदी में, हाँ नमन करते हैं ऐसा प्रसाद लेते हैं ऐसे नमन करते हैं, नैनों पर ऐसा ऐसा करते हैं, हाँ बात स्वीकार करते हैं। हाँ जी उसका मतलब ये है प्रसाद माने प्रसन्नता, रावण से प्रसन्नता नहीं मिलती है। हाँ जी और भगवान से प्रसन्नता मिलती है, तो जो बाबा का ज्ञान सुनने के बाद प्रसन्नता मिली खुशी मिली उस खुशी को सर माथे पर चढ़ाना चाहिए, उस खुशी को ऊंचा दर्जा देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज्ञान में आ गए और रोने लगे रोते रहे गमगीन दुनिया बनाते रहे, खुद भी गमगीन रहे और देखने वाले भी गमगीन हो जाएं, तो कौन कहेगा इनको भगवान का प्रसाद मिला? वो प्रसाद तो स्थूल रूप में खाते हैं और हमारा प्रसाद भी कोई स्थूल नहीं है, हमारा ज्ञान का प्रसाद है। जो हमको ज्ञान मिलता है उस ज्ञान मिलने के बाद जो हमको खुशी चढ़ती है चेहरे पर वो ही हमारा प्रसाद है, इस खुशी को हम सर माथे पर लगाएं, लगाते भी हैं कि ये खुशी हमारी हमेशा बनी रहे, इस खुशी को हम सर के ऊपर चढ़ा के रखें। बाबा भी कहते हैं ये संगम युग सारा का सारा तुम्हारा मौजों का युग है, सदा ज्ञान में प्रसाद ही प्रसाद खाते रहो, खुशी ही खुशी चढ़ी रहे, भले अम्मा मर जाए तो कोई चिंता नहीं, अम्मा तो बहुत सुख देती है ना, लेकिन पता है अम्मा तो एक जन्म का सुख देती है और बाप तो जन्म जन्मांतर की खुशी देता है। और पतंजल में अति रात्र गए महायज्ञ अतिरात्र महायज्ञ पापलाचल है बाबा, पापलाचल है ना बाबा यहाँ आंध्र में, वहाँ अतिरात्र महायोग करते हैं, अतिरात्र महायोग उसका नाम है, जो याग वो यज्ञ करते हैं याग करते हैं उसका नाम है अतिरात्र महायाग, अतिरात्र महायाग वो पॉपुलर है, यहाँ पॉपुलर है फेल है तो ये अतिरात्र महायाग वर्ष के लिए करते हैं।
वो कौन सा दिन होता है, कौन सा महीना होता है, सावन के महीने में कौन से दिन होता है? अभी है बाबा, अभी इस समय ये मास में करते हैं एवरी, ये कोई श्रावण मास थोड़े ही है। तो बाबा वर्ष के लिए अभी तो पहले पक्का पता लगाओ कि कौन से महीने में होता है, कौन से पक्ष में होता है, और वो हैं हर वर्ष नहीं करते बाबा, विशेष में हो या तो ये कह रहे हैं हर वर्ष करते ही नहीं है, हर वर्ष नहीं होता है। जो पूछ रहे हैं वो पहले पूरा आता पता बताएं। और आज की मुरली में आया गीता का सहसी राज्य सबसे सिखाया, ये अभी तुम जान लिए हो, जान गए हो कि संगम युग से 5000 वर्ष पहले सिखाया गीता का सहज राजयोग। इस समय संगम युग में भी कब से सिखाया, जब बाप आया तब से सिखाया, ऐसे नहीं कि 36 से ही सिखाया। और बाबा ब्रह्मा में जब याद किए थे, जो ब्रह्मा में निराकार को याद किया था उस समय, तो वह भी सहज होता ही है? वो सहज कहाँ है, वर्षा किससे मिलता है, माँ से। तो जो प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है कि बिना प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, तो माँ से कहाँ प्राप्ति होती है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है या सदाकाल की प्राप्ति होती है, है? हाँ जी, प्रकृति और पुरुष, असली माँ तो हमारी प्रकृति है और पुरुष भगवान है, लेकिन प्रकृति से सदाकाल की प्राप्ति होती है। प्रकृति का श्रेष्ठ नमूना है शरीर, शरीर से प्राप्ति होती है या आत्मा की पहचान से प्राप्ति होती है, बस। विजयमाला की आत्माएं भी विजयी कब बनेंगी, अभी विजयी है या अधीन है? अबे नाम तो है विजयमाला, और वो भी बाद में बनेगी या पहले बनती है? बाद में क्यों बनती है विजयमाला, बाद में क्यों बनती है? अभी अभी है या नहीं है विजयमाला के मणके, हैं या नहीं है विजयमाला के मणके, अभी हैं या नहीं है? हैं, होते हुए भी स्टेज पर नहीं है, स्टेज पर आएंगे तब विजयमाला बनेगी, पहले स्टेज पर रुद्रमाला आती है। पहले रुद्रमाला बनती है तो बताएं। हाँ जी, और ये रुद्रमाला तो विजयमाला में याद किया जाता है ना बाबा? याद किया जाएगा, ऐड इसलिए किया जाएगा कि प्योरिटी नहीं है, जब इनमें प्योरिटी आ जाएगी तो ऐड ही हो जाएगी। और जो जब परमधाम में निराकार को याद करते हैं उसको शूद्र संप्रदाय, निराकार को जो याद करते हैं परमधाम में वो है शूद्र संप्रदाय, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि बाप कर्तव्य क्या करते हैं। परमधाम वाला जो याद करते हैं उसके कर्तव्य का ज्ञान है, वो तो जड़ है ना बाबा। परमधाम में बैठा हुआ कुछ कर्तव्य करता है, उसको याद करने से जड़त्वमयी बुद्धि बनेगी या चैतन्य बुद्धि बनेगी, तो फायदा ये होगा कि और धर्मों में जाके जन्म ले लेंगे, द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेंगे, देवता नहीं बनेंगे, क्योंकि जितने भी विधर्मी हैं
वो सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करते हैं या साकार को मानते हैं? ज्योति बिंदु को याद करते हैं, उनमें ब्रह्मा की सोल भी आ जाती है। ब्रह्मा की सोल भी पहचान करके याद करती है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करती है? वो भी ज्योति बिंदु को याद करती है। अभी भी किसको याद कर रही है? ज्योति बिंदु निराकार को याद कर रही है। लेकिन वो नहीं बनता है, शूद्र संप्रदाय नहीं बनता है। नहीं, उसका कारण तो ये है कि यज्ञ के आदि में बड़े से बड़ा भक्त कौन था? दुनिया में बड़े से बड़े भक्त का नाम क्या बताया बाबा ने? नारद। नारद नारायण बनता है, लक्ष्मी को बरता है या नहीं बरता है? नहीं बरता है। बस नारद का पाठ उसका है। तो नारद का अव्वल नंबर नारद कौन हुआ? ब्रह्मा हो गया। सारी दुनिया में चक्कर काटता है या नहीं काटता है? सूक्ष्म शरीर से चक्कर काटता है। तो नारद चक्कर काटता है लेकिन स्वर्ग में जाता नहीं है, क्योंकि बाप से वर्षा जब तक लेने लायक न बने तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकता। शूटिंग हो रही है, बार बार कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? शूद्रों के पास जा रहा है या ब्राह्मणों की दुनिया में है? ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख की बात माने, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो, वो कुखवंशावलियों के पास जाता है या ब्राह्मणों के पास रहता है? कुखवंशावलियों के पास जाता है। ब्रॉडरामा में भी ऐसे ही होता है। आज की मुरली में कहा है कि आत्मा परमात्मा का मेला 50 वर्ष चला, तो 76 से लिया तो है, 76 से 50 वर्ष लिया तो 76 में 76 से हाँ 50 वर्ष क्यों? असली अम्मा कौन है? ये ब्रह्मा की मां पता है ना बाबा? है ब्रह्मा की मां जगदम्बा। लेकिन ये तो दाढ़ी मूछ वाली है, ये तो असली नहीं है। असली होती तो पूजा होती, तो असली पूजा कब होती है? जब ब्रह्मा 100 साल का हो जाए, दादा लेखराज, और वो जगदम्बा में प्रवेश करे, तब पहला वारसदार बना। जो माँ है वो पहली रचना है, वहां से शुरुआत होती है। तो 50 साल गिनो, कब से हुए 50 साल? है हाँ, 87 से लेके 37 तक। और ओम शांति।